गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी ऑफलाइन क्लास है जो मैं राजस्थान से ले रहा हूं। तो आइए, खंभा खड़ी राजस्थान। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल यूपीएससी का पेपर था और पेपर में जीएस सच में बहुत इजी पेपर था। इनफैक्ट इजी टू मॉडरेट, हम लोग मॉडरेट टू टफ भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट पेपर था। कुछ बातें जो आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं। कल मुझे थोड़ा शाम को थोड़ा फीवर हो गया था, इसलिए मैं शाम को कोई सेशन कर नहीं पाया, इसलिए फिर ऑफलाइन वालों को तो पढ़ाना ही था कि क्या करें। तो ऑफलाइन वालों एक काम करो और ऑनलाइन वाले तुम भी एक काम करो। अगर नोट डाउन करना है इस काम को, क्या क्या करना है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अब तक तो एनसीईआरटी उठा के पढ़ना शुरू कर दो। हम लोग चला चला के गले में दर्द हो गया, ठीक है, कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। सीधे सीधे सवाल एनसीईआरटी से आया है। 21 जून वाला सवाल देखा था, एनसीईआरटी के लाइनों में लिखा है वो क्वेश्चन, उठा करके देखिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के लाइनों में लिखा हुआ सवाल है। ज्योग्राफी का एक सवाल कोई कह दे कि हाँ सर एनसीईआरटी के बाहर का हो, कोई सवाल ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के बाहर नहीं था। पॉलिटी 18 सवाल आए थे, कोई सवाल एनसीईआरटी के बाहर का नहीं था। अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री के बारे में भी कुछ कहिए, यूपीएससी बेवफा निकला, उसने इतिहास से की बेवफाई। हर बार इतिहास से 30, 35, 32 प्रश्न आते थे, इस बार आया है प्रश्न मिडाइवल से 1, मॉडर्न से 2 और एंशिएंट से 5। 5, 2, 7, 1, 8 प्रश्नों में निपटा दिया उसने हमें। ये बेवफाई वो करेंगे, हमने सोचा न था। खैर कोई नहीं, होता है। यूपीएससी कभी भी कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं करती। लास्ट ईयर का पेपर आपको अगर याद होगा, आपने देखा 2023 का पेपर, तो 23 के पेपर में बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए। 23 में बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए, इस बार पसीने सिर्फ गर्मी ने छुड़ाए हैं। पेपर इजी था, बदहाल और परेशान किया है तो केवल यूपीएससी, केवल गर्मी ने। और उसके बाद भी कुछ ऐसे दिग्गज है, एक बच्चे ने मुझे फोन किया कल 9:57 पे कि सर मैं 5 मिनट में सेंटर पहुंचूंगा, क्या मुझे एंट्री मिलेगी। मैंने कहा भगवान उठाओ इसे। मैं एक दिन पहले से लगातार अखबार में आ रहा था इंटरव्यूज, मैंने पॉडकास्ट पोस्ट किया था आप लोग के लिए कि यार 1 घंटा पहले पहुंच रहा हूं, वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। फिर कहा कि सर अगर पहला पेपर छूट गया तो सीसेट में एंट्री मिलेगी। भाई सीसेट तुम देके भी क्या करेगा, जब पहला पेपर छूट ही गया तुम सीसेट देके कौन सा तोप मार लोगे। लेकिन नहीं, मैं कहता रहता हूं टाइम पे पहुंचो, लेकिन अब बीमारी है ना लेट आने की। मैं जब आपको टोकता हूं ना ऑफलाइन क्लासेस में, मेरे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे लेट आते मुझे कतई पसंद नहीं। क्यों? बीमारी है लेट आना, बीमारी आदत है, इस आदत को बदल दीजिए, वरना वो कैजुअल ना कैजुअल अप्रोच कुछ है थोड़ी। प्रैक्टिस में ही नहीं टाइम पे आना, इट्स अ कैजुअल अप्रोच। अरे हाँ ठीक है जाएंगे ना, क्या करना है, मास्टर कौन सा जो है भगा देगा क्लास से। इसी चक्कर में आप, यही अप्रोच आपके हैबिट में आ गया, ब्लड में आ गया ये अप्रोच, और आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या पहुंचे 20 मिनट लेट। अब जाके पैर पढ़ो, जाओ कि हमको एंट्री दे दीजिए, लगाओ 150 झूठ बोलो सुबह, उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड आप खो चुके हैं। आपसे आता हुआ सवाल भी गलत होगा, आता हुआ सवाल भी गलत होगा। इसके पहले कि मैं मेंस की तरफ पढ़ू, पहले 2-3 सवाल जो आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, लो भाई सवाल लो, आपको मैं बता दूं। और ये ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ये ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे कि हाँ सवाल इनको क्लास में कराया गया है कि नहीं कराया गया है। हर बैच में मैं कराता हूं सवाल, वो हिस्ट्री वाले सवाल खोल के दूं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले। एक सवाल था स्थायी बंदोबस्त से, ठीक है, अब मुझे जहां तक याद है सवाल स्थायी बंदोबस्त से था, और पहली लाइन उसकी रैयतवाड़ी, दो ऑप्शन है उसमें ए और बी, एक और दो, चलो दो स्टेटमेंट है एक और दो। और देखा है कि कॉर्नवालिस ने एक भू राजस्व व्यवस्था जारी की थी, और वह भू राजस्व व्यवस्था का संबंध था, पहला बात करता है रैयतवाड़ी के बारे में और दूसरी बात करता है सनसेट लॉ के बारे में। बताओ इसमें से कि कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, यही सवाल है।
आप लोग को सवाल याद नहीं होगा, मुझको सवाल याद है, पेपर मुझको देना है ना। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका? कॉर्नवालिस का संबंध किससे था? रैयतवाड़ी से था क्या? नहीं था। सनसेट लॉ से था? था ना यार। सनसेट लॉ किसका हिस्सा है? स्थाई बंदोबस्त का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन कराया है क्लास में, इस क्वेश्चन में दम था? इसमें कहां दम था बाबा। हाँ सुनिए, सवाल सुन लीजिए, मेरे पास सवाल आ चुका है। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वही आपको भी मैंने कहा था, कार्नवालिस और लैंड रेवेन्यू। पहला कहता है कि राजस्व संग्रहण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन। क्या कार्नवालिस रैयतवाड़ी में था? तो गलत हो गया ना पहला, कहानी खत्म। दूसरा कहता है कि बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन। स्थायी बंदोबस्त बड़े हिस्से में कहां था? बंगाल के बड़े हिस्सों में था। यदि जमींदार नियत तिथि या उससे पहले राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। क्या है, कौन सा नियम है ये? सूर्यास्त नियम। पढ़ाया है, लिखवाया है, अभी टेस्ट में भी दिया था। सनसेट लॉ आ गया। हम मिडाइवल और एंशिएंट की बात अभी नहीं करेंगे बेटा। मिडाइवल और एंशिएंट जब ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो उसको आपको फिर दिखाएंगे बेटा। देखो ये सारे सवाल क्लास में कराए गए। किसका फोन है ये? अब देखो सवाल इतना आसान आसान पूछा है। हम लोग भगवान बुद्ध के नाम लिखवाते हैं क्लास में, क्या क्या? लाइट ऑफ एशिया, तथागत, शाक्य मुनि, और सॉरी हाँ ये, उसके बाद सिद्धार्थ, नाथपुत्र। अगर आप छोड़ दें तो नाथपुत्र के अलावा शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध के नाम हैं। इसीलिए अशोका ने खुद को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा। अशोक ने खुद को क्या कहा? बुद्ध शाक्य कहा था। अगला प्रश्न देखो भाई, एक प्रश्न और आया है ना मॉडर्न से, मॉडर्न से दो प्रश्न थे। देखो एक प्रश्न और दिखाओ, पकड़ो। तो क्वेश्चंस बहुत इजी था। खैर आइए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, नोट डाउन कीजिए। 6 to 12 तक के एनसीईआरटी अक्षरशः पढ़ेंगे और लगभग हर एनसीईआरटी पे एमसीक्यू करेंगे। बल्कि एक काम और करें, वो बच्चे जिनको अभी 25 में एग्जाम नहीं देना है, 26 में, 27 में लेकर के 2050 तक एग्जाम देना है, वो एनसीईआरटी को या तो बुक खरीद ले। एनसीईआरटी की सबसे महंगी बुक जो आती है वो शायद 80-90 रुपए की, सबसे महंगी वाली किताबें। हालांकि फिर भी पूरी एनसीईआरटी खरीदने में 2000 रुपए खर्च होंगे आपके, लेकिन इकट्ठा मत खरीद लीजिए। एक एक किताब जाइए, 35-36 रुपए की किताब आती है, खरीदी और खत्म कीजिए कहानी। या अगर आप ऑनलाइन पढ़ पाए तो एनसीईआरटी का ऐप फ्री में अवेलेबल है, उसमें उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में एनसीईआरटी अवेलेबल है। अब करना क्या है, पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी, वो भी समझ लीजिए। एनसीईआरटी की किताब उठाइए और उससे नोट्स बनाइए, उससे कॉन्सेप्ट और फैक्ट अलग अलग। कोई बच्चा लगता कि नहीं सर मैं नोट्स बनाऊंगा नहीं, मैं लिखने में यकीन नहीं करता, तो वो दो कलर का हाइलाइटर ले ले, एक फ्लोरोसेंट कलर का और दूसरा किसी और कलर का। कॉन्सेप्ट को एक कलर से और फैक्ट को एक कलर से कलर करे। फिर भी मेरी सलाह है, जो मैं मानता हूं, मेरी पर्सनल सलाह है कि लिख लीजिए किसी कॉपी में। उसका फायदा क्या होगा पता है? 3 बार पढ़ना इज इक्वल टू 1 बार लिखना। आप 1 बार लिख लेंगे ना, वो आपके 3 रिवीजन के बराबर है। ये प्रूफ किया हुआ है, ये प्रूफ किया हुआ है। मैंने बचपन से ना, ये टेक्निक वो है जो बचपन से मैंने सीखी है। मेरी माँ मुझे ना लिखवा करके और बोल बोल करके पढ़ाती थी कि भाई ये लो और बैठ जाओ और बोल बोल करके और लिख लिख के पढ़ना है। मेरी आदत आज भी खराब है, मैं आज भी बोल के पढ़ता हूं। अगर मैं बोल के नहीं पढ़ूंगा तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो हैबिट बचपन में लग गई कि बोल के पढ़ो, क्योंकि मेरी माँ भाई ज्वाइंट फैमिली, हाँ ऐसा परिवार जहां 3 ससुर, 3 सास, 20-25 देवर, 4-6 ननद, 150-200 बच्चे, हाँ तो ज्वाइंट फैमिली ऐसा ही होता है। तो ऐसे में बहू को तो और भी काम है ना भाई, खाना ही बन रहा है सुबह 6 बजे से 10:30 से 11 बजे तक, तो 4 घंटे हमको आवारा गर्दी करने का परमिशन नहीं था। बैठो और इतना तेज बोल के पढ़ना है कि नीचे मेरी माँ रोटी बना रही है, खाना बना रही है, उसको सुनाई पड़ना चाहिए। वो हैबिट आज तक है मुझे। आपको भी ना बोल के पढ़िएगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा, ठीक है? कई बार आप पढ़ते पढ़ते जो है कहीं जाके खो जाते हैं, उसकी वजह यही है कि आपका कंसंट्रेशन वीक है,
बोल के पढ़िए, लिख करके पढ़िए। When I was in class 12th, 11th and 12th में ना केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज मैंने लिख करके याद किए हैं, रफ कॉपीज पे बकायदा लिख लिख करके फॉर्मूलाज इक्वेशंस वगैरह याद किए हैं, वरना याद होता नहीं था। 12th तक मेरा पीसीएम रहा है, तो इसलिए एनसीईआरटी उठाइए एक एक करके। क्लास 6 हिस्ट्री उठाएंगे और 3 दिन 4 दिन में क्लास 6 की हिस्ट्री निपटा देंगे, फिर क्लास 7 का हिस्ट्री उठाएंगे, फिर ऐसे करके 12th तक जाएंगे और बकायदा क्लास वाइज। और बड़ा छोटा छोटा नोट्स बनाइए, मतलब कहानियां नहीं, कॉन्सेप्ट। वो ना बॉक्सेस बना बना के देता रहता है एनसीईआरटी, देखा है? बड़ा सुंदर पिक्चराइजेशन है भाई, कोई पब्लिकेशन क्या इतना सुंदर पिक्चराइज करेगा जो एनसीईआरटी ने किया है, एकदम बॉक्स बना बना करके, कॉन्सेप्ट बना बना करके। क्या आप जानते हैं? बूझो तो जाने, एक बार करके तो देखो यार, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और जब मजा तब दुगुना हो जाएगा ना, जब ये मेहनत ज्यादा नहीं लगेगा बेटा, 3 महीना लगेगा सिर्फ, 3 महीना। 3 महीने में तुम्हारा पूरा जीएस, अगर ऐसा पेपर आया तो धुआं धुआं कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। यह है एनसीईआरटी का महत्व। अब तक नहीं जान पाए थे तो आज से शुरू कर दो, खा लो, कल मंगलवार है, कल से कसम खा लो कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 3-3 दिन 4-4 दिन में किताब निपटा देंगे। कुछ किताबें मोटी है थोड़ी, तो 6-7 दिन लग जाएगा। कॉन्सेप्ट अलग, फैक्ट अलग, कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों पढ़ लिया, खत्म कहानी। क्या कोई पूछ लेगा यार? अब समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी को लोग कहते हैं बेसिक बुक्स, नहीं बेटा एडवांस बुक है एनसीईआरटी, एडवांस बुक। और पढ़ करके देखना, इस बार का पेपर सामने रख लेना, खटाखट सवाल तुमको नजरों से दिखेगा, तब तुम्हें उसका महत्व समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी की चर्चा हम चलते हैं उदारवादी चरण पे, सॉरी उग्रवादी चरण पे। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो सेकेंड फेज था उसे एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता है, उसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। सबसे पहले इसके अर्थ की चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे इसके उदय के कारण क्या क्या थे, और उसके बाद बात करेंगे इसका कार्य, समीक्षा और तुलनात्मक अध्ययन। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो आइए, ये आप लोगों को पता है मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, और ऑफलाइन में ही ये हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हालांकि मैं कल भी कहा था कि मैं सच नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन बच्चे मेरे अच्छे हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए पहले बात करेंगे मीनिंग की। देखो यार, मीनिंग इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर इस फेज से कोई सवाल आ जाए तो सीधा ये जो मीनिंग है ना, ये तुम्हारे इंट्रोडक्शन का काम करेगा, तुम्हें एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। उदारवादी पढ़ाया आपको, आपको मैंने उदारवाद का मीनिंग पढ़ा दिया था, यहां आइए उग्रवाद। देखो ऐसा है, सीधा अगर मैं लिखता तो मैं लिखता कि सेकेंड फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्या लिखता? सेकेंड फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब इसे यार उग्रवादी चरण क्यों कहा गया? पहले वाले को उदारवादी कहा गया था, इसे उग्रवादी क्यों कहा गया? इन दिस फेज वी स्ट्रॉन्गली एंड ओपनली अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल। क्या किया इस चरण में? हमने अंग्रेजी सरकार का खुला प्रतिरोध किया। क्या किया? खुली आलोचना और खुला प्रतिरोध किया, ओपन अपोज एंड ओपन क्रिटिसिज्म किया है अंग्रेजी सरकार की नीतियों का और सरकार का। तो लिख लीजिए, ओपन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज्ड द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हिंदी में लिखिएगा, मैं हिंदी भी बोली दे रहा हूं, हिंदी में लिखिएगा कि इस चरण में हमने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खुला और उग्र क्या किया? विरोध किया। इस चरण में हमने अंग्रेजी सरकार का खुला व उग्र विरोध किया। क्या किया? खुला व
उग्र विरोध किया। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, खुला और उग्र विरोध नहीं कर रहे थे, अब विरोध के लिए किया क्या हमने, तो हमने बहिष्कार किया, हमने हड़ताल किया और हमने बड़े जन आंदोलन किए। तो बता दो ना कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या क्या किया इसमें। तो पहला किया हमने बाइकॉट, बहिष्कार, क्या किया हमने, मास मूवमेंट चलाया। हम लोग पिछली बार क्या कर रहे थे, सिर्फ एप्लीकेशन लिख रहे थे, रिमाइंडर दे रहे थे, रिमाइंडर दे रहे थे, हाथ जोड़ करके अनुनय विनय कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं, अब हम अनुनय विनय नहीं कर रहे। ठीक है, स्ट्राइक किया, ठीक, हड़ताल, बहिष्कार, जन आंदोलन और हड़ताल का सहारा लिया। तो अब आपको मैं एक बार समराइज कर दूं, मीनिंग भारतीय स्वाधीनता, अगर मुझे लिखना होता इस प्रश्न का उत्तर या इसमें ऐसा कोई उत्तर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दूसरे चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है, जिसका समयावधि 1905 से लेकर 1919 तक माना गया है। इस चरण में स्वतंत्रता सेनानियों ने या फ्रीडम फाइटर्स ने या कांग्रेस के नेताओं ने या भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार का खुला और उग्र विरोध किया। क्या किया, ये राजस्थान है और राजस्थान का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो यहां गोलाबारी होती रहती है, डरना नहीं है, ठीक है, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तभी मैं कहता हमारे बच्चे देखो अच्छे हैं, अब यार इनको मुंह पे कह के खराब, जिंदा बचना भी तो है, ये छोड़ेंगे मुझको जिंदा, इतने खूंखार हैं ये सब, ठीक है, आओ। तो मैं ऐसे मुंह पे झूठी तारीफें करता रहता हूँ, सर इसको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। और हाँ, तुम लोग जो सामने बैठे हो ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें पता है आ जाके अपना डोली का हार लेके आऊ तेरे लिए, मैं तब आएगा, आइए। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस चरण में हमने खुला और उग्र विरोध किया, जबकि पिछले चरण में या उदारवादी चरण में हम लोग अनुनय विनय का कार्यशैली अपना रहे थे। इस बार हमने न केवल जन आंदोलन किया बल्कि बहिष्कार और हड़तालों का भी आयोजन किया, उदाहरण के तौर पर स्वदेशी आंदोलन, विदेशी बहिष्कार, है ना, किया था ना हमने, बंग भंग आंदोलन। तो उन तमाम आंदोलनों का एग्जाम्पल देकर के बता देना कि ये वाला जो फेज है ये उग्रवादी फेज है। बोलो क्लियर, क्लियर हो गया सबको, चलिए ठीक है। अगला, अब हम बात करेंगे कि क्या वजह था, जब उदारवाद चल रहा था तो बीच में उग्रवाद कैसे आ गया, उदारवाद चलना चाहिए था। तो कॉजेज ऑफ राइज, कॉजेज ऑफ राइज, ध्यान दीजिएगा मैं चीजों को डायग्राम के फॉर्म में आपको करा रहा हूं, साइनोप्सिस के फॉर्म में, जो मैंने ये जो किया है ना बेटा, इसी को कहते हैं साइनोप्सिस। इसमें हमने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का यूज नहीं किया है, बहुत कम में शब्दों को लिखने का प्रयास किया, इसको कहते हैं साइनोप्सिस, ठीक है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान कहता है कि मेमोरी हमेशा जेपीजी फाइल में, जेपीजी फॉर्मेट में सेव होती है, पीडीएफ में सेव नहीं होता है। तो कोशिश करना है साइनोप्सिस बनाने का, क्या बनाने कोशिश करना है, साइनोप्सिस, समझ रहे हैं, ये सिनॉप्सिस है। इमेज आपको पढ़ना किस फॉर्मेट में है, इमेज के फॉर्मेट में पढ़ना है। अब देखो कॉजेज में, तो सबसे पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन घटनाओं ने हमें मजबूर किया उग्रवाद के लिए, कुछ घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने हमें क्या किया, मजबूर किया उग्रवाद के लिए, ठीक है। क्या किया, कॉल कर दो, बोलो चाहे लिखेंगे, मजबूर किया किसके लिए, उग्रवाद के लिए। अब क्या क्या घटना घटी, तो सबसे पहली घटना थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, पहली घटना जिस घटना से बड़ा आक्रोश आया जनमानस में, वो घटना क्या थी, वो घटना थी बंगाल का विभाजन, वो घटना क्या थी, बंगाल का विभाजन, ठीक है।
वो घटना क्या थी? वो घटना बंगाल का विभाजन थी। ठीक, एक बार देखते रहना, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वो घटना क्या थी? वो घटना बंगाल का विभाजन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? आक्रोश आया। बंगाल के विभाजन में क्या किया था इन लोगों ने? हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया था। बंगाल को ऐसा बांटा कि सारे हिंदू एक तरफ और सारे मुसलमान एक तरफ। तो हमें समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रहा है, और हमने उसके खिलाफ क्या किया? तो हमने उसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। और गवर्नमेंट बायकॉट, गवर्नमेंट्स बायकॉट, पूर्ण सरकारी बायकॉट, बहिष्कार, हर वो चीज जो सरकारी है वो छोड़ने का प्रयास किया। और इसकी शुरुआत की किससे? वस्तुओं से, फॉरेन गुड्स बायकॉट। तो हमने स्वदेशी मूवमेंट तो चलाया ही चलाया था, प्लस हमने क्या चलाया था? बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, हमने क्या चलाया था? बायकॉट मूवमेंट हमने चलाया था। बोलो क्लियर है? तो एक तो वजह यह थी कि बंगाल का विभाजन, जिसकी वजह से मैं उग्र होकर के इस तरह के आंदोलन चलाने पड़े। दूसरी रीजन, सेकंड रीजन क्या था? क्या उदारवादी 1885 से लेकर के 1905 यानी पिछले 20 साल में कुछ बड़ा कर पाए? क्या कोई बड़ा अधिकार प्राप्त कर पाए? नहीं। तो डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ लिबरल, पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों की नीति से, उदारवादियों की नीतियों से निराशा, नीतियों से निराशा। ठीक है, देखो जो उदारवादी थे, क्या 20 साल में कुछ बड़ा अचीव कर पाए? क्या 20 साल में पूरे समाज को भी जोड़ पाए? नहीं। आपको मैंने बताया था कि 20 साल में उनका जो मेन फोकस था वो क्या था? अपर मिडिल क्लास हिंदूज, लोअर क्लास हिंदूज पता नहीं, मजदूर, गरीब, किसान, भाई उसको सबसे ज्यादा समस्या थी वो था गरीब, मजदूर और किसान। क्या इस मूवमेंट में गरीबों की, मजदूरों की और किसानों की बात की गई थी? नहीं की गई थी। तो 20 साल में कुछ ज्यादा आप कर नहीं पाए, जब कुछ ज्यादा मिला नहीं तो नतीजा क्या होगा? हमें गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अरे गुस्सा आएगा ना यार कि 20 साल में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है भाई? तुम्हें कोई कब तक टाइम देगा? तुम्हें कोई कब तक टाइम देगा? आप पढ़ रहे नहीं हो। अच्छा एक बार उठा करके देखना रिजल्ट, अभी एमपी का रिजल्ट आया, इसके पहले यूपी का रिजल्ट आया। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मैं शुरू से अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं, क्या मेरा यूपीएससी हो सकता है? बेटा हो तो जरूर सकता है, लेकिन समस्या यह है ना कि वो विद्यार्थी जो शुरू से भी अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा है और बाद में भी अच्छा विद्यार्थी नहीं है तो होगा कैसे? अरे नॉलेज तो चाहिए ना यार। ना तुमने बचपन में पढ़ाई की क्लास 1 to 12, ना तुम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, ना तुम यूपीएससी में पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? जादू की छड़ी है क्या? हाँ जादू की छड़ी है भाई, कभी तो पढ़ना पड़ेगा। बचपन में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यूपीएससी कहती है कि बीए पास हो या ग्रेजुएशन किया है, 33% पाए हो, कोई दिक्कत है, हम नहीं पूछेंगे। लेकिन अब तो हमारा सिलेबस लो और उसको ठीक से रगड़ दो, ठीक से पढ़ जाओ। अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो इम्पॉसिबल है ना। बचपन से पढ़ा नहीं, अब पढ़ोगे नहीं। अच्छा एक बात और समझो बेटा, पढ़ना भी एक हैबिट है। अगर वो हैबिट आपके अंदर नहीं है ना तो फिर बहुत मुश्किल है। तभी आपने सोचा कि हम लोग कंप्रिहेंशन काय करवाते हैं, इतना मुश्किल कंप्रिहेंशन, ये लेंदी लेंदी पैरा,
डेढ़ पेज का पैरा होता है यूपीएससी में, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पैरा था इस बार का पेपर, लेंथी में आपको मैंने पॉडकास्ट अगर आपने सुना हो दो दिन पहले वाला, तो मैंने कहा था पहले पेपर को पहचान लो, पेपर में अगर 4 से 5 सवाल तो पेपर लेंथी, पेपर में अगर 7 सवाल उठा के देखो पेपर हर पेज में 7 सवाल है, 13 से 20 हर पेज में 7 सवाल है, 3 पेज में 20 सवाल खत्म हो गए इसके, मतलब समझ में आ रहा है, हर पेज में 7 सवाल, तो पेपर क्या है शॉर्ट है लेंथी नहीं है, आई बात समझ में। तो अब आपको कल को कलेक्टर बना दिया जाए, आपको कलेक्टर बनाया जाए कहां का, वेस्टर्न घाट में कोई जिला है, पश्चिमी घाट पे सतपुड़ा की पहाड़ियों में कोई जिला है, या जैसलमेर जैसा कोई जिला है, और मौसम विभाग ने या भारत सरकार ने मरु विकास के तहत आपको 200 पेज का एक फाइल सेंड किया है कि ये पॉलिसीज है ये आपको इंप्लीमेंट करना है, आप 200 पेज पढ़ेंगे नहीं तो इंप्लीमेंट क्या करेंगे, कलेक्टर को ही भेजेगा ना सरकार कि भाई हम दे रहे हैं 2000 करोड़ रुपया और ये हमारा प्रोग्राम है मरु विकास के लिए, डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए, आप पढ़ेंगे नहीं। मौसम विभाग ने पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट के जिलों पे किसी चक्रवात किसी तूफान के लिए एडवाइजरी एसओपीज और उसके सबसिक्वेंसेस के लिए 100 पेज 50 पेज का पूरा फाइल भेजा है, आप 50 पेज पढ़ नहीं पा रहे, क्या राहत कीजिएगा आप, क्या पुनर्वास करेंगे आप, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने की हैबिट डालिए, और बल्कि एक काम कीजिए ना, हर चीज का रिकॉर्ड रखिए, रिकॉर्ड बनाना शुरू कीजिए कि आपने डेली जिनको देना है सच में वो रिकॉर्ड बनाए कि वो डेली कितने पेज पढ़ रहे हैं, डेली कितने पेजेस बुक्स के पेजेस, कॉपी के नहीं बुक्स के कितने पेज पढ़ रहे हैं आप। कल की तारीख 18 तारीख है, 18 तारीख को आप सुबह लिखिए कि हाँ आज मैं 25 पेज 30 पेज 35 पेज पढ़ूंगा और देखिए शाम तक आप कितने पेज पढ़ पाए, पूरा महीने का रिकॉर्ड बनाइए, ठीक है। आप लोगों ना आप लोग का पढ़ाई रिकॉर्डेड हो ही नहीं रहा है, बस चल रहा है पढ़ाई, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, रिकॉर्ड बनाइए कि हमने क्या किया एक महीने में, रिकॉर्ड बनाओ कि एक साल पहले तुमने तैयारी शुरू की थी, एक साल में तुम्हारा क्या रहा प्रोग्रेस, तो समझ में आएगा, नील बटा सन्नाटा खत्म, टाटा बाय बाय, जीरो, प्रोग्रेस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू अ बिग जीरो, रिवीजन बिग जीरो, रिकॉर्ड तो बनाओ कम से कम, अरे मुझे मत दिखाओ, अपने आप को दिखाओ, अपने आप को दिखाओ कि हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, मुझे देख मुझे क्या कमा के दोगे, अपने अपने बारे में सोचो यार, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, उदारवादी चरण से इतना निराशा पैदा हुआ कि हमें कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने के बारे में सोचना पड़ा, हमें दूसरा कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ा। ऐसा ही समय था जब कर्जन आया था, और कर्जन की जो पॉलिसीज थी ना बड़ी रिएक्टिव थी, कर्जन वो आदमी था जो गूंगे को भी बुलवा दे, जादूगर नहीं था, इतना ये निकम्मा किस्म का व्यक्ति था कि गूंगा भी बोल दे, ऊब करके तंग आकर के गूंगा भी क्या करे बोल दे, तो इसमें यहां फेडिंग दोगे रिएक्टिव पॉलिसीज ऑफ करजन, करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, क्या क्या किया इसने, तो उसने पहला काम किया है 1899 में कलकत्ता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेकर के आएगा, और इस एक्ट से या कलकत्ता नगर निगम कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लेकर के आएगा, और इस एक्ट से कलकत्ता के नगर निगम में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया। आप समझते नगर निगम का मतलब क्या है, नगर निगम इज द लोकल गवर्नेंस बॉडी, आज भी केंद्र सरकार राज्य सरकार नगर निगम में हस्तक्षेप नहीं करती, क्यों, सेल्फ गवर्नमेंट है ना, अरे लोकल गवर्नमेंट है ना यार, स्थानीय स्वशासन, तो सरकार पंचायतों पर बहुत दबाव
नहीं डालती। पंचायतों की अपनी कार्य प्रणाली है, इसने क्या किया, नगर निगम में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। तो इसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों में जो पहली पॉलिसी थी वो था कलकत्ता, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम। क्या लिखेंगे हम लोग, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1899, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1899, ठीक है। इसमें क्या किया, द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस वॉज इंक्रीज्ड बाय दिस एक्ट, गवर्नमेंट्स by this act, सरकारी हस्तक्षेप क्या हुआ, लोकल गवर्निंग बॉडीज में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, इसने क्या किया सरकारी हस्तक्षेप अधिकतम कर दिया। बहुत सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक। हम किसी दिन पूरा पूरा जो रोब है ना तुम लोगों वाला, पूरा रोब भगा देंगे क्लास के बाहर, पूरा रोब, और तुमको सबसे पहले भगाएंगे, भूमिका सबसे पहले तुमको भगाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन अब तो तुम लोग की ऑफलाइन बेइज्जती हो रही है, तो ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया जाएगी कोई भूमिका नाम की बालिका है, निहायती बेवकूफ है, सुन लिया पूरी दुनिया वालों, पूरे दिन बैठ के बात करती है, पढ़ने आती है सबकी, बात करने पता नहीं। चलिए आइए, सेकंड क्या कर रहा था, 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए इसने क्या किया, प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, इससे प्रोहिबिशन ओवर द लिबरेशन ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी पर क्या कर दिया, प्रेस की आजादी पर प्रोहिबिशन ओवर लिबरेशन ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी अब प्रेस को भी सरकार से पूछ के कुछ छापना पड़ेगा, बिना सरकार से पूछे कुछ भी छापने का नहीं। तो लिख लीजिए, प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध, इसको हिंदी में लिखेंगे बेटा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम। हालांकि इतना इतना हिंदी मत लिखना भाई कि कोई बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि कॉपियां जो चेक करेगा बेटा, ऐसा बाइफर्केशन होता नहीं है, अंग्रेजी मीडियम का टीचर हिंदी मीडियम कॉपियां चेक करता है, ध्यान देना, ये बिल्कुल समझ लो। तुम्हारे यहां नागौर से नहीं आएगा प्रोफेसर, ठीक है, वो साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज से आता है, और मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, डीयू के, जेएनयू के, बीएचयू के, जो अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वही के प्रोफेसर वर्किंग आर रिटायर्ड आते हैं कॉपियां चेक करने के लिए। सो उनका अपना माध्यम अंग्रेजी होता है, तो कोशिश करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लिखने का, गॉट इट। ठीक है, 1904 प्रेस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। 1904 में ही यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, और यूनिवर्सिटी एक्ट के जरिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा दिया। तो तीसरा क्या था, 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, इस एक्ट से क्या हुआ, गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप
बढ़ा दिया, कहां पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहां पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में सरकारी हस्तक्षेप में क्या किया? वृद्धि कर दिया। बोलो क्लियर है? तो ये तीन पॉलिसीज थी जो कर्जन की रिएक्टिव पॉलिसीज थी। आपको पहला बताया था मैंने, कलकत्ता नगर निगम में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया। दूसरा, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया या प्रेस की आजादी को क्या कर दिया? लिमिटाइज कर दिया। और तीसरा क्या किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो है सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। इसके बाद कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जिसने हमें जागने पर मजबूर किया। आपको पता है कौन सी घटना? इत्तू सा देश है, एक इत्तू सा एक एशियाई देश है जिसने रसिया को पराजित कर दिया। बताओगे कौन सा देश है? यस, जापान। 1905 में इतना सा जापान है, उतना बड़ा रसिया है। इतना बड़ा, उठा के देखो मैप यार, दुनिया का सबसे बड़ा देश, एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। रसिया जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। और उसको हराया किसने? हालत ये कि चींटी ने हाथी के चारों खाने चित्त कर दिया। अब बताओ कि इससे जो यूरोपीय सर्वोच्चता का मिथक था, द मिथ ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी, क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं होगा। सबको लगेगा कि अरे यार, ये इतना सा जापान रसिया को हरा दिया, तो ब्रिटेन के क्या औकात है हमारे सामने? हम भाई, हमसे छोटा देश है ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन की क्या औकात है? तो क्या करो? डरना छोड़ दो, उठो, लड़ो और संघर्ष करो। ये पॉलिसीज हमने सीखा। तो अगला जो है बेटा वो है, थर्ड था नहीं, फोर्थ, नहीं फोर्थ कैसे हो गया? ये पहला, दूसरा, अच्छा ये तीसरा था, ये तीसरा था, इस तीसरे में दो तीन था, अब हम चल रहे हैं चौथे पे। समझ में आ रहा है ना बात? अब हम चल रहे हैं किस पे? चौथे पे, इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। क्या प्रभाव है? तो पहला प्रभाव है कि 1896 में यूथोपिया ने इटली को हरा दिया और 1905 में, इटली कहां का देश है और यूथोपिया, मतलब समझ रहे हो? अरे अफ्रीका यानी गरीब, बदहाल, बेकार। हाँ, अफ्रीकन देशों की क्या वैल्यू है यार? गरीब देश बेचारे, छोटा सा इतू सा देश है अफ्रीका, सॉरी इथोपिया। और इटली रोमन साम्राज्य था भाई, एक नामचीन देश। इथोपिया ने क्या किया? इटली के चारों खाने चित। और इसी बात की पुनरावृत्ति हुई, अगली बार एशिया ने, यानी एशियाई देश जापान ने रसिया को हरा दिया। तो समझ में आ गया कि यूरोपीय बहुत अच्छे नहीं है। बहुत विजयी, इनविंसिबल जो कॉन्सेप्ट था, यूरोपियन सुप्रीमेसी वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? टूट गया और हमें लड़ने की हिम्मत मिली। तो आइए इसमें दो बातें लिखेंगे हम लोग। 1896 इटली, ठीक है? क्या किया? ITALY होता है ना? अरे इटली। और दूसरा क्या हुआ बेटा? 1905 में जापान डिफीटेड टू रसिया। इन दोनों घटनाओं का इंपैक्ट क्या हुआ? इन दोनों घटनाओं का इंपैक्ट यह था कि जो मिथ था किसका,
यूरोपियन सुप्रीमेसी वॉज डिस्कार्डेड। यूरोपियन डिस्कार्डेड, यूरोपीय सर्वोच्चता का सिद्धांत खंडित हो गया। लिख लीजिए, यूरोपीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का खंडन यूरोपीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का खंडन। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है? चलें आगे। देखो अब कुछ और घटनाएं हैं। हाँ, चले आगे। इंपैक्ट ऑफ, अगला है, पांचवा था नहीं, पांचवा होगा ये। देखो कुछ सामाजिक आर्थिक घटनाओं का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक घटनाओं का प्रभाव, ठीक है, किसका प्रभाव? सामाजिक आर्थिक घटनाओं का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रभाव है सामाजिक आर्थिक घटनाओं का, क्या क्या प्रभाव है, आइए उन प्रभावों की चर्चा करते हैं। देखो ऐसा था कि 1900 से 1905 के बीच लगातार प्लेग फैल, एट द इनिशियल फेज ऑफ ट्वेंटीएथ सेंचुरी, क्या फैल रहा है पूरी दुनिया में? प्लेग फैल रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूरी दुनिया में प्लेग फैल रहा है, तो अब प्लेग पे ध्यान देना चाहिए था, इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने चाहिए थे, इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना चाहिए था, लोग मर रहे हैं। अच्छा, यही वो टाइम है जब अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? चरम पे है, गरीबी पॉवर्टी स्टारवेशन स्टार VATIO है, स्टारवेशन चरम पे है, भुखमरी कहते हैं इसको। तो गरीबी भुखमरी प्लेग फैला है, बेरोजगारी है, अब भाई सब बढ़ गया ना, प्लेग भी हो गया, इधर ये प्लेग फैल रहा है, इधर बेरोजगारी है, गरीबी बढ़ी है, और गरीबी बढ़ेगी तो भुखमरी तो बढ़ी जाएगी। अब अंग्रेजी सरकार कर क्या रही है? इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे छोड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्जन ने क्या किया? तो कर्जन ने दो बड़े काम किए, क्या किया? 1899 में दिल्ली दरबार किया, और दिल्ली दरबार में पैसा पानी की तरह बहाया गया। तो बताओ कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हो, बीमारी से मर रहे हो, दाने दाने को मोहताज हो, और दिल्ली को सजाने में पैसा, हमारा पैसा पानी की तरह बहाया जाए, तो क्रोध आएगा नहीं आएगा? तो क्रोध में अंग्रेज निपट जाएंगे, और क्या। तो पहला क्या किया? दिल्ली दरबार,
और दूसरा क्या किया, तिब्बत के लिए 1905 में, हाँ बहुत मजा आ रहा है ना यंग हस्बैंड सुन के, बुड्ढो पढ़ाई पर ध्यान दिया करो चुपचाप, यंग हस्बैंड अभियान चलाया था, तिब्बत अभियान कहलते हैं इसको। दरअसल जिसने चलाया उसका नाम भी था यंग हस्बैंड, तो उसके अभियान का नाम पड़ा यंग हस्बैंड अभियान, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों में क्या हुआ, बहुत सारा पैसा धन की बर्बादी हुई, क्या हुई, धन की बर्बादी। तो अब इनको चिंता हमारी, इनको तिब्बत जीतना है, इन्हें तिब्बत पर कब्जा करना है, तो तिब्बत पर कब्जा करने के लिए क्या चलाया, यंग हस्बैंड अभियान चलाया। इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और पैसे को पानी की तरह बहाया, जबकि हम भूखे मर रहे थे, जबकि हम भूखे मर रहे थे। तो बताओ ऐसे में क्रोध आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो भाई क्रोध आएगा। अच्छा ये एरा कैसा है, इसमें कौन से लोग एक्टिव हैं, तो कुछ ऐसे विचारक हैं, छठा होगा रोल ऑफ लीडर्स। इस समय लोग कैसे हैं, तो अब बीजी तिलक साहब बड़े एक्टिव हैं, कौन, बीजी तिलक। अब एक्टिव कौन है, लाला लाजपत। अब एक्टिव कौन है, बिपिन चंद्र पाल, यही है लाल बाल पाल, ध्यान देना ये कौन है, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। हाँ ये पूछा है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब नीचे वाले हैं बिपिन चंद्र पाल। ये विपिन वी से नहीं होता बेटा, ये बी वाले हैं बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्रा वाला, बिपिन चंद्र का स्पेलिंग बी से होती है, बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल और पाल है। अब इस तरह के जब नेता हैं, तो सर नेता क्या क्या करेंगे, स्प्रेड द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, उग्रवादी विचारधाराओं का प्रसार करेंगे, उग्रवादी विचारधारा का प्रसार, उसके लिए क्या करेगा। तो देखो आपको याद होगा, आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गणेश महोत्सव मनाते हैं, आज भी पूरा महाराष्ट्र, मतलब गणपति की छुट्टी जो है महाराष्ट्र में 14 दिन की छुट्टियां होती है, हाँ 14 दिन की छुट्टियां हैं महाराष्ट्र में गणपति की, 14 से 15 दिन। और सिर्फ ये नहीं कि स्कूल कॉलेज सब बंद, मैक्सिमम चीजें बंद, गणेश शॉर्ट बहुत बड़ा फेस्टिवल है। शुरू किसने किया था, बीजी तिलक ने कहा शुरू किया था कि जब हम बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा आयोजन करेंगे, तो ये जो युवा बेरोजगार बैठे घर में नाखून चबा रहा है, नाखून बढ़ा रहा है, वो क्या करेगा, आएगा, मिलेगा जुलेगा, और जब मिलेगा जुलेगा तो क्या बनेगा, संगठन बनेगा, एकता आएगी, और जब एकता आएगी तो उन्हें हम कहीं भी मोड़ करके उनसे कुछ भी करा सकते हैं। तो क्या किया, ट्राई टू कनेक्टेड विथ यूथ, युवाओं के साथ जुड़ने का प्रयास किया, और उसके लिए शिवाजी महोत्सव आज भी महाराष्ट्र मनाया जाता है। आज भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गणेश महोत्सव वगैरह मनाया जाता है, ठीक है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द causes behind the rise of extremist phase, an Indian freedom struggle. भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान
भारतीय, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण के उदय के कारणों को चिन्हित कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप लोग एक बार ये प्रश्न लिख करके टेलीग्राम पे सबमिट करने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन वाले तो ऑफलाइन लेकर के आएंगे, तो ये प्रश्न एज अ होमवर्क रहेगा। तो अभी के लिए यहीं तक, हम अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे उग्रवादी और उग्रवादियों की समीक्षा, और उसके बाद एक प्रश्न और लेकर के मैं आऊंगा आपके बीच में, वह उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।